Okay. Good afternoon, students. This is Amit Dave, PhD Computer Science, Kendriya Vidyalaya, Pashchim Bihar. We will start our syllabus discussion, that is distribution of marks of class 12 computer science subject. I'm audible? Okay, I'm continuing this. Our syllabus, computer science syllabus, is containing total 4 units. First unit is PCT2, Programming and Computation Thinking, second part. Weightage of this unit is 30 marks. Second part is Computer Network. Computer Network weightage is 15 marks. Our third unit is Data Management 2, because we already completed Data Management 1 in class 11. In same way, PCT 1 we also covered in class 11. So these PCT 2, Data Management 2 are the advanced portion of our class 11 syllabus. Weightage is 15 marks. Fourth unit is Society, Law and Ethics, second part. First part already completed in class 11. Don't worry, in our class 12 syllabus, in each unit which we will start second part, first we go through a short revision tool which is already given in chapter. In PCT 2, second part, weightage 30 marks, Computer Network 15 marks, Data Management 2 15 marks, and Society, Law and Ethics 10 marks. In all these 4 units, this unit is based on Python programming. It is totally based on Python programming, means we must have practical knowledge as well as programming skill for this unit. And then this unit third is also based on practical, because we have to cover MySQL query and other server based software which we'll introduce in this year. So these 2 units based on practical. So all these 4 units, maximum weightage is unit 1 PCT 2 of 30 marks, and then 15, 15 and 10. Unit 2 and unit 4, these 2 units we can call it as theory topics, or we can call it as only concept based, and practical based portion unit 1 and unit 3. So we will start our syllabus from unit 1 as per our blueprint. Unit 1 means PCT 2, Programming and Computation Thinking, second part. So बेटा फिर से एक बार और क्लियर कर दूं मैं, यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, 4 यूनिट है सिलेबस में, 4 यूनिट में नंबर 1 यूनिट है PCT 2, Programming and Computation Thinking, सेकंड पार्ट जिसका 30 मार्क का वेटेज है, कंप्यूटर नेटवर्क जिसका 15 मार्क का वेटेज है, डेटा मैनेजमेंट 2 का वेटेज 15 मार्क्स है, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स सेकंड पार्ट, इसका वेटेज 10 मार्क्स है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग सेकंड जो लिखा है ऑलरेडी 11 क्लास में हमने यूनिट 1 PCT 1 पढ़ा हुआ है, उसी का एडवांस फॉर्म है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग का एडवांस पोर्शन यहां कवर किया जाएगा PCT 2 में, जिसका वेटेज 30 मार्क्स का। वैसे ही डेटा मैनेजमेंट 2, जिसका डेटा मैनेजमेंट 1 हमने क्लास 11 में पढ़ा है MySQL क्वेरी, उसी का एडवांस और उसके अलावा कुछ सर्वर बेस्ड टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जिसका वेटेज 15 मार्क्स है। क्लास 11 में सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स हमने क्लास 11th में फर्स्ट पार्ट किया था, जितनी डेफिनेशन टर्म्स थ्योरी हमने कंप्लीट की थी उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और ये इसका वेटेज है 10 मार्क्स।
तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस की जो चार यूनिट्स हैं जिनका वेटेज 30 मार्क्स 15 मार्क्स 15 मार्क्स और 10 मार्क्स इनको मिलाकर हो रहा है थ्योरी 70 मार्क्स का। ये पूरा पोर्शन हो गया इतना थ्योरी पोर्शन। क्लियर है? और 30 मार्क्स है प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें वाइवा प्रैक्टिकल की लिस्ट क्या रहेगी, वो मैं आपको सब कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा इसके बाद। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने सिलेबस को और इसमें शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग सेकेंड पार्ट। यस, तो सबसे पहले अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं PCT2। और PCT2 पर जाने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स याद दिला दूं। इसी PCT2 में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर वो है पाइथन रिविजन टू। ये चैप्टर, ये पूरी यूनिट ही वैसे तो 30 मार्क वेटेज काफी अपने में सबसे मैक्सिमम वेटेज है, पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम चैप्टर रिविजन टू। एक मैं अपने अनुभव से एक एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूं कि जो बच्चे यदि क्लास 11th में जिन्होंने प्रोग्रामिंग पाइथन में ज्यादा यदि काम नहीं किया और बाकी यूनिट्स में ज्यादा मेहनत की है और उनका यदि पाइथन प्रोग्रामिंग वीक रहा है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस रहेगा कि वो इस चैप्टर को ठीक से यदि प्रिपेयर कर लेंगे तो थ्रू आउट आगे के जो एडवांस टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आएंगे। यदि यहां पर ये रिविजन टूर चैप्टर में यदि कोई डाउट या कोई डिफिकल्टी रह जाता है तो थ्रू आउट पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग आपको परेशान करेगी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पाइथन प्रोग्रामिंग सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। तो हम रिविजन टूर में सबसे पहले वही बेसिक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हमने क्लास 11 में किए थे, वो इस बार रिविजन टूर चैप्टर 1 में। हम चैप्टर 1 को शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब हम पाइथन प्रोग्राम शुरू करते हैं, एक सिंपल सा, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने लिखता हूं, सिंपलेस्ट प्रोग्राम आपको याद दिलाने के लिए। ए इक्वल इंट इनपुट एंटर ए, यह प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर, सिंपलेस्ट प्रोग्राम। फर्स्ट लाइन वी आर एंटर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड वी स्टोर दिस वैल्यू इन टू वेरिएबल ए, देन अगेन वी एंटर अनदर वैल्यू फ्रॉम यूजर इंट इनपुट एंटर बी, वी आर एंटर सेकेंड वैल्यू एंड स्टोर इट इन टू अनदर वेरिएबल बी, सी इक्वल ए प्लस बी एंड देन प्रिंट सी। दिस इज सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। लॉजिक इज वेरी सिंपल, फर्स्ट वी आर टेकिंग इनपुट ऑफ टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर, वेन एवर आवर प्रोग्राम विल रन कंप्यूटर विल आस्क टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर विल बी स्टोर इन ए, सपोज वी एंटर 5 and 7, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ 5 विल बी स्टोर इन ए, देन सेकेंड वैल्यू 7 विल बी स्टोर इन बी, सो वी हैव एंटर
5 in A, we enter 7 in B. Then after, it will add these values A and B, 5 and 7, and store result in C. Then at last, it will show value of C on screen. This is our simplest program for addition of two number. We will get result 12. Computer will ask value 5 and 7 from us, and it will print value 12 on screen as a result. So this is the program for addition of two number. अभी आपको लग रहा होगा ये addition of two number क्यों बता दिया मैंने? तो addition of two number program बताने के पीछे board class में आ सकने वाला एक question हम discuss करना चाह रहे हैं. उस topic का नाम है जो आपने 11th class में भी पढ़ा हुआ है. वो topic है token. एक theory question पूछा जाता है पहले ही topic के syllabus में chapter में, वो है token. तो टोकन के लिए कोई एग्जांपल जरूरी है कि टोकन क्या चीज है और टोकन में क्या क्या टाइप्स के टोकन हम प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं. तो हमारा पहला टॉपिक टोकन को समझने के लिए मैंने सामने एक प्रोग्राम लिख दिया. इसी के बेसिस पर हम कई सारे टोकन समझ पाएंगे बेटा. सबसे पहले टोकन की डेफिनेशन. टोकन थ्योरी क्वेश्चन है बेटा. आगे इसके नोट्स वगैरह सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप डेली साथ में नोट लिखते चले. वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा थ्योरी के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स. तो नोट्स तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर डेली आप उसको अपनी एक कॉपी में नोट करते चलेंगे तो ये अच्छे से प्रिपेयर होगा. तो पहली डेफिनेशन है. क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज टोकन, ये आ सकता है क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो. और या तो फिर टोकन के टाइप. सबसे पहले हम बात करते हैं टोकन की. Smallest individual unit used in our program is called token. Smallest individual unit used in our program is called token. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. Smallest individual unit in our program is called token. एक और शब्द इसके लिए यूज होता है, basic lexical unit या फिर basic fundamental unit of program is called token. बेसिक लेक्सिकल यूनिट और बेसिक फंडामेंटल यूनिट यूज इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन. ये तो ही डेफिनेशन इसकी, वन लाइन टू लाइन की डेफिनेशन है. है क्या मीनिंग? बड़ी सिंपल सी बात है कि एक प्रोग्राम में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, एक प्रोग्राम में जितनी भी टर्म्स यूज हो रही है, तो उन टर्म्स को प्रोवाइड किया गया नाम टोकन. कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है ए और बी, तो आपके पास कोई शब्द तो होना चाहिए इसको बोलने के लिए. तो आप बोलेंगे इसको कि ये वेरिएबल्स हैं या ये आइडेंटिफायर्स हैं. आपसे कोई पूछ रहा है कि ये इंट क्या लिखा हुआ है, तो आप उसका मीनिंग तो बता देंगे, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट है क्या ये इंट? तो यहां इंट वर्ड रिजर्व वर्ड्स. अरे बात समझ में. ये प्लस क्या है? तो प्लस जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि ये एडिशन का सिंबॉल है, पर उसके लिए टर्म प्रोवाइडेड है, इट इज एन ऑपरेटर. हियर प्लस इज एन ऑपरेटर. इन सेम वे असाइनमेंट इक्वल साइन असाइनमेंट इज एन ऑपरेटर. तो हर चीज को एक टर्म प्रोवाइड की गई है, वही टर्म हर छोटी छोटी चीज को एक टर्म प्रोवाइड की गई है, दैट इज कॉल्ड टोकन. टोकन टोकन की डेफिनेशन यही है, इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और बेसिक लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन. कंफ्यूज नहीं होना, एक लाइन की डेफिनेशन. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन. टोकन कितने टाइप के होते हैं तो मैं नीचे लिख रहा हूं इनके टाइप. देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ टोकन यूज इन अवर प्रोग्राम. पूरे प्रोग्रामिंग जब तक चलती रहेगी हम ये 5 कैटेगरी के टोकन यूज करते रहेंगे हर प्रोग्राम में जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी. पहला टाइप है कीवर्ड, दूसरा टाइप है आइडेंटिफायर, तीसरा टाइप है लिटरल, चौथा टाइप है पंक्चुएटर और पांचवा टाइप है ऑपरेटर. तो ये विजिबल है क्योंकि ये फॉन्ट साइज इंक्रीज
इतना ही हो पाएगा, छोटा सा बोर्ड है हमारे पास अभी। यस, अब ये पांच टाइप है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर। देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज इन अवर प्रोग्राम। इसको हम याद रखने के लिए पांच टाइप है, कुछ तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई जाए। तो हमने यहां पर टोकन को याद रखने के लिए सबके फर्स्ट लेटर इकट्ठे कर लिए और एक वर्ड बना लिया, किल्पो। अजीब सा वर्ड है किल्पो। एक मिनट, जरा टेक्निकल ग्लिच है, मैं इसको सेट कर लूं। रिड्यूस कर लो थोड़ा सा। ओके, हाँ अभी मैंने कुछ कमेंट, कुछ मैसेजेस अभी देख रहा हूँ इसमें। तो बेसिक टॉपिक है, और एक्चुअल में ये फर्स्ट टॉपिक भी हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में टोकन, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया हुआ है। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर, ऑपरेटर, देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज इन आवर प्रोग्राम। और इसको याद रखने के लिए हम एक वर्ड बना रहे हैं किल्पो, ताकि सीक्वेंस भी याद हो जाए और कोई मिस ना हो। अब नंबर वन कीवर्ड, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड की डेफिनेशन ये, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। वो सभी शब्द जिनका प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड मीनिंग है आर कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे कोई हम लैंग्वेज की बात करें, जनरल लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, तो उसमें हर वर्ड के लिए उसका एक एक्शन फिक्स है, कम, गो, आना, जाना, ठीक है। हिंदी के वर्ड्स या कोई पंजाबी, कोई तमिल लैंग्वेज में कुछ वर्ड और उनके साथ में एक्शन फिक्स है। तो उसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रिपेयर होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हर वर्ड के साथ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हर वर्ड के साथ में उसके कुछ एक्शन डिसाइडेड है, जो प्रोग्राम लैंग्वेज प्रिपेयर किए जिन्होंने, वो हर वर्ड के साथ में एक्शन फिक्स कर दिए, तो उन्हीं वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। डेफिनेशन क्या है कीवर्ड की? ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड। वे सभी शब्द जिनका लैंग्वेज कंपाइलर के लिए प्री डिफाइंड मीनिंग है, इनको कहा जाता है कीवर्ड। ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग आर कॉल्ड कीवर्ड। जैसे अभी हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जब आगे बढ़ेंगे, तो हम कई सारे कीवर्ड्स यूज करेंगे। वैसे तो एक एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड पे ही मैंने दिखा दिया आपको कि ये इंट कीवर्ड है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अभी हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन लिखते हैं, तो इफ, एल्स, एलिफ, दीज आर कीवर्ड्स जिनके साथ में उनका एक्शन फिक्स है। हमको फिक्स यही वर्ड्स फिर यूज करने पड़ेंगे। अभी इफ के साथ में एल्स ही यूज होना है, अदरवाइज इसका सिनोनिम नहीं चल पाएगा, क्योंकि पाइथन कंपाइलर को केवल एल्स का मीनिंग पता है, इफ का मीनिंग पता है, हम इसकी जगह पर कोई इसका सिनोनिम नहीं लगा सकते। तो वो वर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज कंपाइलर के लिए, उनको कहा जाता है कीवर्ड्स। क्लियर? अब ये तो हो गया कीवर्ड। कीवर्ड के एग्जाम्पल इफ, एल्स, एलिफ, ये सभी रहेंगे, ठीक है। दूसरा टोकन, नंबर टू टोकन है आइडेंटिफायर। दूसरा टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर से मतलब है प्रोग्राम में प्रोग्रामर डिफाइंड जितने भी वर्ड्स हैं, यूजर डिफाइंड जितने भी वर्ड्स हैं,
These are called identifier. Identifier मतलब वो, जस्ट मैं एक बार देख लूं कि आपको मेरा सुनाई दे रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए. ऑडिबल है? आवाज नहीं आ रही? तो मैं चेक कर लेते हैं और शायद कुछ क्या हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यू कर. मैं आपकी कमेंट देख रहा था, उसमें एक बफरिंग का इशू किसी बच्चे ने लिखा हुआ है. बफरिंग का इशू बेटा आपके साइड से हो सकता है. हाँ, और लाउड अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ लाउड करने की. एक कमेंट ये भी लिखा हुआ है, तो अपनी आवाज़ को और लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. बाकी बफरिंग का इशू क्लाइंट एंड से होगा, सर्वर एंड से नहीं. अभी अपने आप को हम सर्वर जगह पर रख रहे हैं, ठीक है. और ये शायद फर्स्ट है, अभी इसको और इम्प्रूव करेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. वैसे ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, कुछ भी होगा तो इसके रिटर्न नोट्स भी आपको साइड में प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, तो आइडेंटिफायर, फर्स्ट वर्ड हमने क्लियर देखा. फर्स्ट टोकन जो है, टोकन का फर्स्ट टाइप था कीवर्ड. ऑल दोस वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड्स. जो प्रोग्राम जो पहले से डिफाइंड वर्ड्स है वो है कीवर्ड्स. और आइडेंटिफायर जो हम लोग डिसाइड करते हैं, All those words which are decided by programmer. जैसे इसी प्रोग्राम में हमने तीन वर्ड हमने डिसाइड किए. एडिशन ऑफ टू नंबर था, तो एक वर्ड हमने ए बी और एक सी लिया हुआ है. ये वर्ड हमने डिसाइड किए टू स्टोर वैल्यू ऑफ ए बी सी. टू स्टोर टू नंबर्स वी हैव यूज्ड ए बी एंड टू स्टोर रिजल्ट वी हैव यूज्ड सी. अब आप चाहे अपने प्रोग्राम में एक्स वाई जेड ले लें, पी क्यू आर ले लें, जो भी आप चाहें, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ले लें. तो प्रोग्रामर डिसाइडेड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर. कहां कहां पे आइडेंटिफायर यूज होंगे? आइडेंटिफायर यूज होंगे वेरिएबल के नेम के लिए. आगे आप फंक्शंस बनाएंगे. क्लास 11th में आपने फंक्शन इतना डिटेल में नहीं किया होगा, पर क्लास 12th में बहुत यूज करना है. तो फंक्शंस के नेम डिसाइड करने में, वेरिएबल के नेम डिसाइड करने में, और ऐसी कई जगह पर होंगी मॉड्यूल के नेम डिसाइड करने में. जो नेम हम डिसाइड करेंगे वो नेम कहलाते हैं आइडेंटिफायर. जो प्रोग्रामर डिसाइडेड वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर. क्लियर? तो प्रोग्रामर डिसाइडेड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. पर अब ये डिसाइड करने में ऐसा है कि हमारी मर्जी तो रहेगी, पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ रूल्स भी हैं जो हमको ध्यान रखना है. आइडेंटिफायर जब भी आप प्रोग्राम बना रहे, आप बेसिक सी चीज है कि प्रोग्राम में आप वेरिएबल तो लेंगे. आपने वेरिएबल ने में एबीसी ले लिया, या आपकी मर्जी आप एक्स वाई जेड ले लें, आप पी क्यू आर ले लें, कुछ भी ले सकते हैं. पर उसके कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स में बेसिक रूल पहले मैं बता दूं आपको. नंबर वन, एन आइडेंटिफायर में कंटेन्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. आइडेंटिफायर में क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है. ये तो पहला रूल हुआ. तो क्या नहीं हो सकता है? वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक डॉलर, क्वेश्चन मार्क, स्टार इन अवर वेरिएबल नेम. आइडेंटिफायर
में हो सकता है हम वेरिएबल का नाम ले रहे हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, इट इज करेक्ट, पर हमने यदि वेरिएबल का नाम ले लिया नंबर डॉलर वन नंबर स्टार टू, बोथ आर रॉन्ग बिकॉज वी हैव यूज हियर स्पेशल सिंबल डॉलर और स्टार, क्लियर। तो इसमें वेरिएबल के नाम में ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, जीरो टू नाइन या अंडरस्कोर हो सकता है, बट इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स लाइक स्टार, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, जितने भी न्यूमेरिक पैड पर शिफ्ट के साथ में सारे स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं अंडरस्कोर को छोड़कर, वो सभी अलाउ नहीं है, क्लियर। अब उसके बाद तीसरी चीज इसमें, नंबर थ्री, मस्ट बी स्टार्ट विथ, मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स, मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, ये शुरू होना चाहिए अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से। तो क्या नहीं हो सकता उसकी बात कर लें, इन बेसिक तीन रूल पे कुछ। सपोज हमने एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा नम वन या नम टू, ये दोनों वेरिएबल नेम करेक्ट है, बट यदि हमने वेरिएबल नेम ले लिया वन नम टू नम, ये दोनों वेरिएबल नेम रॉन्ग है। नम वन नम टू आर करेक्ट बट वन नम और टू नम इज रॉन्ग बिकॉज वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ आदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर ओनली, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट और एनी अदर स्पेशल सिंबल, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल नेम में अल्फाबेट्स ही होना चाहिए, डिजिट्स हो सकते हैं पर बाद में होंगे, बीच में होंगे, और स्टार्ट जो हमेशा वो अल्फाबेट से ही होना, इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक, इसके अलावा भी और डिटेल रूल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में साथ साथ हम यूज करते जाएंगे, पर बेसिक सबसे जो सिंपल सा रूल है जो हमारे समझने के लिए, जो आपको बुक में भी मेंशन नहीं होगा, वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड अ वेरिएबल नेम मस्ट शो इट्स यूज और इट्स पर्पस। जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसके नाम से, उसके नाम से उसका पर्पस दिखे, तो आपकी प्रोग्रामिंग इजी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम है, आप वहां पर वेरिएबल नेम ले रहे हैं एबीसी, ये थोड़ा सा मीनिंगलेस रहेगा। एबीसी में पता नहीं लगेगा प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है। बेटर होगा वेरिएबल नेम प्रिंसिपल रेट और टाइम ले लीजिए पूरा, या पी आर टी ले लीजिए, ताकि आपको एक इंडिकेशन मिल जाए कि ये पी फॉर प्रिंसिपल ही होगा, आर फॉर रेट होगा, टी फॉर टाइम होगा। तो वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, इससे आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बाद में आपको ही बनाने के बाद आपको खुद को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वेरिएबल नेम मस्ट बी शॉर्ट, वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, शॉर्ट जितना रखे उतना अच्छा इसलिए होगा ताकि आगे फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। मतलब कहीं पर वेरिएबल नेम में स्पेलिंग आपने काफी बड़ी रख दी तो प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली आपको वही स्पेलिंग यूज करना पड़ेगी। यदि एक भी कैरेक्टर आपने गलत टाइप किया तो आपको अनडिफाइंड सिंबल की एरर आ जाएगी। तो बेटा अभी हम आगे जा रहे हैं, हमने सेकंड टोकन देखा आइडेंटिफायर, जो लोग शायद बाद में ऐड हुए हैं या जिन लोगों ने वीडियो बाद में शुरू किया है तो उनको मैं बता दूं, बड़े शॉर्ट में रिवाइज कर दूं कि अभी तक क्या हुआ। अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, चार यूनिट है हमारे सिलेबस की, चार यूनिट में से पहली यूनिट पीसीटी टू स्टार्ट किए बेटा। पीसीटी टू मतलब प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग सेकंड, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी 11th में हुआ है। उस पीसीटी टू यूनिट का पहला चैप्टर हमने शुरू किया है पाइथन रिविजन टूर। ये पाइथन रिविजन टूर में क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम रिविजन कर रहे हैं, ये क्लास 12th में इनके बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जस्ट आपका कोई बेसिक बनाने के लिए, ऐसा माइंड में भी मत रखिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन जैसे इन्हीं में से एक टोकन क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कभी।
तो इसलिए रिविजन टूर को भी सीरियसली लेना है, जिनको पता है वो और उसको अच्छे से कर ले। तो हमने जस्ट पहला ही चैप्टर शुरू किया है पाइथन रिविजन टूर, और उसका पहला टॉपिक शुरू किया है वो है टोकन। टोकन क्या है? टोकन मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाता है टोकन। और टोकन पांच तरह के होते हैं, जिसमें से अभी तक दो टाइप कंप्लीट हुए हैं। पहला टोकन होता है कीवर्ड, ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड बात एक ही है। ऑल दोज वर्ड्स विच हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग फॉर अ लैंग्वेज कंपाइलर आर कॉल्ड कीवर्ड। और दूसरा टोकन जो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से मतलब ऑल दोज वर्ड्स विच आर डिसाइडेड बाय डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। सपोज मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए, तो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो प्रोग्रामर डिसाइडेड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी हमने बात की। तो अभी तक हमने ये दो टोकन पूरे किए, कीवर्ड और आइडेंटिफायर। उसके बाद हम तीसरे टोकन पर जा रहे हैं। थर्ड जो टोकन है वो है लिटरल। इस प्रोग्राम में लिटरल कहीं नहीं यूज हो पाया, तो आपको लिटरल का एग्जांपल तो अलग से देखना पड़ेगा। लिटरल मतलब ये, ऑल दोज फिक्स वैल्यू यूज्ड इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल। प्रोग्राम में यूज की हुई सारी फिक्स वैल्यूज उनको कहा जाता है लिटरल। कहां फिक्स वैल्यू? एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेटा इसमें पी आर टी, ये तो आपको पता लग गया होगा, ऐसा ही पी आर टी, ये क्या है? ये है आइडेंटिफायर। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, दीज आर आइडेंटिफायर। पी आर टी एस आई आर आइडेंटिफायर। और बाकी ये स्लैश स्टार स्टार, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार है, डिवीजन के लिए स्लैश है, इक्वल, दीज आर ऑपरेटर, जो हमारा फोर्थ टोकन है, ये ऑपरेटर। और उसके बाद ये फिक्स वैल्यू यूज हुई हमारे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के स्टेटमेंट में, दैट इज लिटरल। प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई भी फिक्स वैल्यू यूज हो रही है, कोई फिक्स नंबर, कोई फिक्स वर्ड, देन दैट इज कॉल्ड अ लिटरल। जरूरी नहीं है लिटरल हमेशा न्यूमेरिक हो, लिटरल न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप का यूज हो सकता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो इस एग्जांपल में तो एक न्यूमेरिक लिटरल हमने 100 यूज किया हुआ है। और कहीं कई सारे फॉर्मूले में फिक्स वैल्यू आती है। सपोज आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने फॉर्मूला यूज किया सी इक्वल 2πr, तो 2πr के लिए आप 2 × 3.14 × r मेंशन कर रहे हैं, 2 × 3.14 × r। इसमें दो लिटरल यूज कर लिए, एक 2 और एक 3.14। r और c तो क्या है? आइडेंटिफायर। स्टार क्या है और असाइनमेंट क्या है? दीज आर ऑपरेटर। तो फिर ये 2 और 3.14 दीज आर न्यूमेरिक लिटरल। यहां पर ये इंटीजर लिटरल है, ये फ्लोट लिटरल है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गए ये लिटरल। अब एक स्ट्रिंग लिटरल के बारे में भी देख लें। यस, स्ट्रिंग लिटरल सपोज यहीं पर, यहां पर इस स्टेटमेंट में ये एंटर ए एंटर बी, दीज आर ऑल्सो स्ट्रिंग लिटरल। सपोज आपने यहां पर एक स्कूल वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, और यहां पर आपने स्कूल का नाम लिखा केवी, स्कूल का नेम मेंशन किया केवी, स्कूल इक्वल केवी। हियर स्कूल इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप एंड वी आर असाइनिंग स्ट्रिंग केवी। तो हियर दिस केवी वर्ड विच इज अ स्ट्रिंग लिटरल, क्लियर? ऑलवेज वी मस्ट हैव टू मेंशन स्ट्रिंग लिटरल इनसाइड कोट्स।
अभी आगे और भी देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल के और भी टाइप्स है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, जो आपने लर्न में भी देखा हुआ है वो भी हम आगे रिवाइज करेंगे। पर ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये ऑपरेटर है। तो ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। अब फोर्थ हमारा टोकन है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब क्या है? डेफिनेशन तो यही है। हाँ बेटा, डेफिनेशन जरूर याद रखना, बड़े सिंपल सी चीज की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर सिंपल सी डेफिनेशन, ऑपरेटर इज एन सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑपरेशन। ऑपरेटर वह सिंबल है जो किसी ऑपरेशन को डिनोट करता है। हम लोग मैथ्स में भी यूज करते आ रहे, तो वही प्रोग्रामिंग में कई सारे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, थोड़े से चेंज हुए सिंबल। जैसे हम प्रोग्रामिंग में क्या क्या नए ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते आ रहे हैं, फॉर एडिशन प्लस, फॉर सब्स्ट्रैक्शन माइनस, फॉर मल्टीप्लीकेशन स्टार, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम स्टार यूज कर रहे हैं, डिविजन के लिए स्लैश, यदि हमको इंटीजर डिविजन करना होता है तो उसके लिए डबल स्लैश, ये भी ऑपरेटर है जो हम प्रोग्रामिंग में लास्ट ईयर यूज करना शुरू किए, जो मैथ्स में नहीं अप्लाई कर रहा है पर यहां पाइथन प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर रहा है। इंटीजर डिविजन, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में कि इंटीजर डिविजन क्या कर रहा था। सपोज आपने यहां पर 25 डबल स्लैश 2 लिखा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? यहां पर रिजल्ट मिलेगा 12। वी विल गेट कोशेंट। जब डिवीजन में कोशेंट रिजल्ट हमको गेन करना हो, देन वी यूज हियर डबल स्लैश। हाँ, इसकी जगह यदि हमने सिंगल स्लैश यूज किया होता, 25 स्लैश 2, तो यहां पर एक्यूरेट डिवीजन होता, फ्लोट रिजल्ट मिलता 12.5। फॉर इंटीजर डिवीजन वी यूज डबल स्लैश, फॉर इंटीजर डिवीजन वी यूज डबल स्लैश, एंड फॉर कंप्लीट डिवीजन वी यूज स्लैश। तो इस तरीके से डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन के लिए और सिंगल स्लैश कंप्लीट डिवीजन के लिए। एक और ऑपरेटर हमने यूज किया था लास्ट ईयर से, यूज करना क्लास 11 से शुरू किया था, वो है परसेंट। परसेंट, परसेंट फॉर रिमाइंडर और मॉडुलस। सपोज हियर वी मेंशन 25% टू, then result will be 1. What is this 1? This 1 is remainder. 25 को 2 से divide करने के बाद जो remainder आ रहा है वो remainder value के लिए हमको मिलता है, हम use करते हैं operator percent। ये remainder value जो है division की, ये division की remainder value हमको मिल पाती है percent operator से। Clear? तो ये remainder के लिए operator, modulus operator है percent। तो दीज आर सम बेसिक ऑपरेटर, और भी है, ऑपरेटर की लिस्ट काफी लंबी है, इनकी प्रायोरिटी, एसोसिएटेड प्रायोरिटी हमने क्लास 11 में पढ़ी हुई है, पर अभी डेफिनेशन याद रखिएगा, आगे सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे। तो ये तो हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर ही सामने रखे, और इसके अलावा कंडीशंस में यूज किए हमने ऑपरेटर एंड, और इसके अलावा यहां पर हमने यूज किए हुए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और, तो ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स हम पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में आगे कंटिन्यू यूज करेंगे और उनका यूजेस भी साथ में समझेंगे जैसे उनकी एप्लीकेशन आएगी। तो ऑपरेटर मीन्स क्या? दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ टोकन विच इज एन सिंबल विच इज यूज टू डिनोट एन ऑपरेशन। ऑपरेटर वो सिंबल है जो किसी ऑपरेशन को डिनोट करता है। क्लियर? तो आगे जा रहे हैं ऑपरेटर के बाद, इस एग्जांपल में भी कई सारे ऑपरेटर दिख रहे हैं आपको सामने। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्लस एडिशन के लिए ऑपरेटर। अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ टोकन इज, पांचवा टोकन का जो टाइप है वो है नंबर 5 पंक्चुएटर। पंक्चुएटर जैसे इंग्लिश में पंक्चुएटर यूज होता है कॉमा या डॉट यूज हो रहा है स्टेटमेंट लाइन के कंप्लीशन के लिए, डॉट यूज कर रहे हैं।
वर्ड्स के अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज कर रहे हैं. इन सेम वे प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएटर और सेपरेटर्स टू सेपरेट टू थिंग्स. जैसे यहां पर एक सेपरेटर यूज हुई है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ये भी एक पंक्चुएटर है. जब कहीं पर हमको एक साथ वेरिएबल के नेम मेंशन करने होते ए कॉमा बी, तो ये कॉमा सेपरेट करने का काम कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ सेपरेटर. तो ये कॉमा भी यूज हो रहा है सेपरेटर के लिए, ए कॉमा बी, तो कॉमा इज ऑल्सो अ सेपरेटर. आगे कुछ और स्पेशल पर्पस सेपरेटर पंक्चुएटर यूज करेंगे हम ब्रेकेट्स. आगे जब हम टॉपिक में लिस्ट में जाएंगे, ऑलरेडी 11th में भी लिस्ट किया है आपने थोड़ा सा, तो ये लिस्ट को मेंशन करना होगा, तो इसके लिए यूज करेंगे हम स्क्वायर ब्रेकेट, ये भी एक पंक्चुएटर है. तो पंक्चुएटर सेपरेटर्स आर दो सिंबल्स विच आर यूज टू सेपरेट वन एंटिटी विद अदर. एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग पंक्चुएटर और सेपरेटर्स, ये सिंबल्स है. क्लियर? हाँ, तो ये इस तरीके से हमारे पांच टोकन हुए बेटा. अभी पांचों टोकन में, पांच जो टोकन के टाइप्स रहे हैं वो फिर से शॉर्ट में एक बार बोल दूं मैं. नंबर वन कीवर्ड, नंबर टू आइडेंटिफायर, नंबर थ्री लिटरल, नंबर फोर पंक्चुएटर, नंबर फाइव ऑपरेटर. कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर, दीज आर फाइव टोकन्स. ये पांच टोकन होते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स, एक टॉपिक भी इसमें अलग से मेंशन मिलेगा आपको, बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम. तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं 1-1 2-2 मार्क के, या फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन भी हो सकता है एक्सप्लेन लेआउट ऑफ पाइथन प्रोग्राम. वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन इतना तो नहीं आएगा, हाँ इनमें से बीच का टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है, व्हाट इज कमेंट, व्हाट इज एक्सप्रेशन. तो आपको इनके बारे में पता रहे, ये रिविजन टूर में ये सारी चीजें कवर होंगी. तो सबसे पहली एक बेसिक सी चीज है आपके सामने, कमेंट. कमेंट क्या होते हैं? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में सारी लाइंस तो एग्जीक्यूटेबल होती जो अभी हमने मेंशन की थी. फॉर एग्जांपल ए इक्वल इंट इनपुट एंटर ए, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होगी, कंप्यूटर उसको कंपाइल करेगा, उसको स्टोर करेगा और रन करेंगे, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होकर वैल्यू हमसे ए का इनपुट करके स्टोर करेगा. जब हमने मेंशन किया प्रिंट ए, जो वैल्यू हमने इनपुट की वही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी. जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम में यदि हमको कुछ रिमार्क्स मेंशन करना होते हैं तो उन रिमार्क्स को मेंशन करने के लिए, उन रिमार्क्स को मेंशन करने के लिए वी यूज दिस हैश सिंबल टू डिनोट कमेंट्स. कमेंट मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं जो हम रिमार्क की तरह यूज करते हैं. इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो. जैसे जनरली प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो प्रोग्राम का एक टाइटल मेंशन कर दिया. एक्चुअल में ये कमेंट इज अ टूल फॉर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम. आप जब प्रोफेशनल प्रोग्राम्स बनाएंगे, आपका बनाया प्रोग्राम आपका दूसरा कोई टीम मेंबर देखेगा तो उसको आपका लॉजिक इजीली कन्वे हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमेंट्स. तो यहां पर प्रोग्राम में बीच बीच में या टॉप में ऐसे हम कुछ लाइंस रिमार्क्स मेंशन कर देते हैं. जैसे ये लाइन कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी, हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखा है, उसका पर्पस दिखाना है, तो हम यहां पे हैश लगाकर कोई कमेंट लिख देंगे कि दिस मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज सो एंड सो, मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला इज सो एंड सो, पर्पस ऑफ दिस लाइन इज सो एंड सो. तो कमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन एक लाइन की, कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स और रिमार्क्स मेंशन इन अवर प्रोग्राम.
we start our comment by using this symbol hash. Clear? तो एक term याद रखिएगा बेटा, comments. Comments के बाद अब next जो है statements. स्टेटमेंट एक जनरल टर्म है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज होता है या कोई भी लैंग्वेज में हम बोलते सेंटेंस, यहां पे स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है. स्टेटमेंट से कोई ना कोई एक्शन एसोसिएटेड होता है, तो वर्ड स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट में कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड स्टेटमेंट अभी यूज किया था, सी इक्वल ए प्लस बी, या इसके पहले इनपुट स्टेटमेंट यूज किया था, बी इक्वल इनपुट बी. तो ये इनपुट स्टेटमेंट, कैलकुलेशन स्टेटमेंट, या आगे कुछ आप स्टेटमेंट्स अलग अलग टाइप के देखेंगे, लूप स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट मतलब जनरल लाइंस ऑफ आवर प्रोग्राम विच विल एग्जीक्यूट एंड टेक एनी एक्शन. तो ये होता है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है अभी सामने, जो पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो है इंडेंटेशन. इंडेंटेशन, हाँ बेटा, इंडेंटेशन को समझना है तो आपको एक छोटा सा टॉपिक पहले से रिवाइज करना होगा. हम उसको कर लेते हैं पहले. इंडेंटेशन क्या है एक्चुअल में? तो प्रोग्राम में ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए स्पेसेस छोड़े जाते हैं, वही है इंडेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा हमने प्रोग्रामिंग में यूज किया था इफ एल्स. सिंटेक्स ऐसा था, इफ कंडीशन, फिर यहां कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए थे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एल्स, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव. तो ये जो बीच में गैप छोड़ा है, ये जो बीच में स्पेसिंग छोड़ा है, इक्वल स्पेसिंग, इट इज कॉल्ड इंडेंट. इंडेंट की क्या इंपॉर्टेंस? इंडेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो ब्लॉक डिफाइन करने में, ये क्लियरली कंपाइलर को बताता है कि इफ कंडीशन ट्रू होने पर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये होगी एग्जीक्यूट. स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू होगा. कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट थ्री फोर फाइव एग्जीक्यूट होंगे. कब यूज किया था इफ एल्स? तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम में सपोज आपने इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट की कई सारी लाइनें लिखी हुई है और बीच में कहीं पर आपने यूज करना पड़ा इफ एल्स, तो ये लाइन तो डायरेक्टली वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंपाइलर पाइथन का. उसके बाद जैसे ही जब इफ पर कंप्यूटर आता है रीड करने के लिए इस लाइन को, तो यहां पर ये कंडीशन पहले टेस्ट करता है बाकी स्टेटमेंट्स और इन स्टेटमेंट में क्या फर्क है. सपोज ये स्टेटमेंट ए है, ये स्टेटमेंट बी है, और ये स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर फाइव है. इधर यहां पर मैंने स्टेटमेंट सी मेंशन किया, स्टेटमेंट डी मेंशन किया. मेरे को आपको इंडेंटेशन एक्सप्लेन करना है, तो इंडेंटेशन को मैं इफ एल्स का यूज करते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा. मैं टॉपिक से स्विच नहीं हो रहा हूं, पर साथ में इफ एल्स भी कंप्लीट हो जाएगा और इंडेंटेशन भी आपको समझ में आ जाएगा. यदि जिन लोगों ने इफ एल्स 11 क्लास में नहीं समझा होगा, तो यहां तो बार बार यूज करना है आपको क्लास 12th में. इफ एल्स और लूप कई जगहों पर यूज करना, तो क्लियर कर लीजिए कब यूज करना है इफ एल्स. एक प्रोग्राम हमने बनाया, इस प्रोग्राम में ये लाइन स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी मेंशन किया. उसके बाद ये इफ कंडीशन लिखकर स्टेटमेंट वन टू लिखे, फिर एल्स लिखकर स्टेटमेंट थ्री फोर फाइव लिखे, और फिर स्टेटमेंट सी डी लिखे. तो ये ए बी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट सी डी जो है ये कंडीशन के बाहर है. प्रोग्राम पे जब भी एग्जीक्यूशन शुरू होता है टॉप से शुरू होता है. पहले कंप्यूटर आपने ए और बी में जो ऑर्डर दिया वो एग्जीक्यूट करेगा,
उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट में कंडीशन चेक होगी। यदि कंप्यूटर कंडीशन चेक करते समय इसको ट्रू पाता है तो फिर 102 को एग्जीक्यूट करे, पर यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट 3, 4, 5 को एग्जीक्यूट करेगा, 1, 2 को नहीं। मतलब ये बात श्योर है कि जब हम प्रोग्राम में इफ एल्स यूज करते हैं तो या तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है या फिर उसका एल्स पार्ट यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, एंड देन आफ्टर स्टेटमेंट सी डी विल बी एग्जीक्यूट। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहेगा, यदि प्रोग्राम में इफ एल्स यूज हो रहा है तो इसका फ्लो का ऑर्डर रहेगा ए बी 1, 2 देन सी डी। कब? जब कंडीशन ट्रू रही तो। यदि कंडीशन ट्रू रही तो फ्लो ये रहेगा, यदि कंडीशन फॉल्स रही है तो फ्लो क्या रहेगा, ए बी देन 3, 4, 5 एंड देन सी डी। यदि कंडीशन फॉल्स रहती है तो फ्लो रहेगा ए बी 3, 4, 5 देन सी डी, ए बी 3, 4, 5 एंड सी डी। तो प्रोग्राम में इफ एल्स का पर्पस ये होता है कि कुछ लाइंस को कंडीशनली एग्जीक्यूट करना। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। अब इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर हमको देना होता है इंडेंटेशन। बात समझ में आ रही? तो ये इंडेंटेशन के लिए जरूरी है। इंडेंट से हम बता पाते हैं कि इफ का ब्लॉक ये रहेगा और एल्स का ब्लॉक ये रहेगा। एक सिंपल सा इंडेंट यूज करते हुए एक प्रोग्राम बना ले। देखिए, सपोज आपको एक सिचुएशन दी जा रही है कि आपको कोई शॉप के लिए कैलकुलेशन करना है डिस्काउंट का। कोई शॉप में डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है 5% और 10%। 5% डिस्काउंट कब दिया जा रहा है? जब आपने टोटल जो परचेसिंग किया है, यदि आपका परचेसिंग अमाउंट जो है टोटल अमाउंट जो है वो लेस देन 1000 रुपीज है, तो आपको शॉप ऑनर जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 5% का। यदि आपने परचेसिंग मोर देन और इक्वल्स टू 1000 किया है, यदि आपने परचेसिंग किया है 1000 रुपए से ज्यादा का, तो उस शॉप से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपसे इनपुट क्या लिए जाएंगे, आपसे इनपुट लिए जाएंगे प्राइस और क्वांटिटी, और आपके पास डिस्काउंट का एक क्राइटेरिया गिवन है कि 5% और 10% डिस्काउंट मिलना है इस शॉप में। प्राइस और क्वांटिटी का इनपुट लेना है, ये क्राइटेरिया से डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और आपको फाइनली आउटपुट में दिखाना है नेट अमाउंट, डिस्काउंट, ये दो चीजें आउटपुट में दिखानी। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक पर्पस है जिसमें हम इफ एल्स भी यूज कर लेंगे, जिसमें इंडेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक सी चीज, प्रोग्राम का फ्लो हमेशा कैसा होता है, आप यदि भूल गए तो मैं याद दिला दूं, हमेशा प्रोग्राम का फ्लो ऐसा रहेगा, इनपुट कैलकुलेशन एंड आउटपुट, या इनपुट कैलकुलेशन कंडीशन देन आउटपुट। सबसे पहले रिक्वायर्ड इनपुट कलेक्ट करना जरूरी होता है, तो हम पहले इनपुट कर ले कलेक्ट, प्राइस इक्वल इंट इनपुट एंटर प्राइस। नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंप्यूटर पर भी, प्राइस इक्वल इंट इनपुट। मैं अभी यहां पे स्पेस कम है तो कंटिन्यूशन के लिए ये हटा रहा हूं क्वेश्चन यहां से। प्राइस इक्वल इंट इनपुट एंटर प्राइस, क्वांटिटी यूजर से इनपुट किया हमने, इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी, प्राइस इनपुट किया और क्वांटिटी इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट लिखे हमने,
दोनों का इनपुट करके वेरिएबल प्राइस और QDY में स्टोर किया हुआ है। अब परचेसिंग का अमाउंट मतलब ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस इक्वल प्राइस इनटू क्वांटिटी। सीधी सी बात है ना, कोई शॉप में गए हमने, सपोज बुक, कोई नोटबुक परचेस किया, एक नोटबुक 100 रुपीस का है, पांच नोटबुक परचेस किया तो 100 इंटू 500, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और ग्रॉस अमाउंट निकाला। अब ग्रॉस अमाउंट के बाद वो जो क्राइटेरिया हमको दिया हुआ है कि 5% और 10% हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ परचेस्ड अमाउंट, यानी यही ग्रॉस अमाउंट। इस ग्रॉस अमाउंट के बेसिस पे आपको क्या निकालना है? उसका डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहां लगाएंगे कंडीशन, क्योंकि डिस्काउंट एक जैसा नहीं है। एक सिचुएशन में डिस्काउंट 5% है और दूसरी सिचुएशन में डिस्काउंट 10% है। यानी यहां पर बात आ गई है कंडीशन की, कि डिस्काउंट हर बार एक जैसा नहीं निकलना चाहिए। यदि आपका ग्रॉस अमाउंट 1000 को क्रॉस कर जाए तो 10% डिस्काउंट, यदि ग्रॉस अमाउंट 1000 से बिलो रहे तो 5% डिस्काउंट होना चाहिए। तो ये दो डिस्काउंट के फॉर्मूले तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पर दोनों एग्जीक्यूट नहीं करवाने हमको। डिस्काउंट इक्वल ग्रॉस इंटू 5/100, डिस्काउंट इक्वल ग्रॉस इंटू 10/100। ये दोनों डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होने चाहिए, डिस्काउंट कैलकुलेट एक ही होना चाहिए, या तो 5% या 10%। किस पे डिपेंड करवाना है? ये जो ग्रॉस निकला है, सबसे पहले तो हमसे प्राइस और क्वांटिटी ले लिया कंप्यूटर ने, इनपुट ले लिया। अब ये जो इनपुट लिया है प्राइस और क्वांटिटी, इससे कंप्यूटर खुद कैलकुलेट कर लेगा ग्रॉस, क्योंकि आपने उसको फॉर्मूला दे दिया है। अब उसके बाद यहां से डिस्काउंट खुद निकालना है कंप्यूटर को, पर कौन सा निकालना है, ये या ये? तो उसके लिए हम कंडीशन भी हम ही सेट कर देते हैं प्रोग्राम में। कंडीशन ये सेट कर दिया हमने, इफ ग्रॉस इज लेस देन 1000, जैसा हमारे को सिचुएशन में दिया हुआ था कि यदि ग्रॉस 1000 से लेस है तो डिस्काउंट जो है वो ग्रॉस का 5% रहेगा, और यदि ऐसा नहीं है, मतलब यही है वो कंडीशन जिसकी बात कर रहे थे, कंडीशन हमेशा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू से ही बनेगी, इन्हीं ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है, जिसका रिजल्ट या तो ट्रू या फॉल्स होता है। कंडीशन एक्सप्रेशन जब भी बनेगा तो इसी ऑपरेटर, इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से बनता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। और हमने ये कंडीशन जो बनाई है, ग्रॉस लेस देन 1000, इफ ग्रॉस लेस देन 1000 देन डिस्काउंट विल बी 5%, एल्स डिस्काउंट इक्वल ग्रॉस इंटू 10/100। तो ये हमारा डिस्काउंट भी आ गया। हमको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई, नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट तो चाहे डिस्काउंट 5% हो या चाहे डिस्काउंट 10% हो, नेट तो निकलना है। तो नेट कैसे निकलेगा? नेट इक्वल ग्रॉस माइनस डिस्काउंट। बेटा यहां इंडेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझ लो एक बार फिर से, कौन सी लाइन इफ के अंदर और कौन सी लाइन इफ एल्स के बाहर है, सामने दिख रहा है आपको, ये दोनों में इंडेंट छोड़ा हुआ है। तो ये दोनों, ये इफ के अंदर है, ये एल्स के अंदर है, पर यहां कोई इंडेंट नहीं है, मतलब ये इफ एल्स के बाहर है। जब प्रोग्राम ऊपर से रन करेगा कंप्यूटर, देखना कैसे होगा, फिर से बता दो। सपोज आपने प्राइस एंटर की 100 रुपीज, क्वांटिटी एंटर की 5, क्वांटिटी कितने दिया 5, प्राइस 100, तो 100 5 ऑटोमेटिकली ग्रॉस कैलकुलेट हो जाएगा, 100 into 5 500। ये 500 आकर यहां पे चेक होगा कंप्यूटर, जब इंटरनली कंडीशन चेक करेगा, 500 इज लेस देन 1000, कंप्यूटर इंटरनली चेक करेगा ये कंडीशन, तो कंप्यूटर को क्या पता लगेगा कि यस दिस इज ट्रू, 500 जो है 1000 से लेस है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो मतलब ये इफ पार्ट को ही रन करके सीधे यहां आ जाएगा, मतलब 500 का 5% कैलकुलेट होगा और डिस्काउंट आ जाएगा। 500 का 5% मतलब 25 बन जाएगा डिस्काउंट, और फिर नेट कैलकुलेट करने सीधे यहां से जंप करके कंट्रोल यहां आ जाएगा, 25 रहेगा इस सिचुएशन में डिस्काउंट। पर सपोज यदि हमने प्राइस एंटर की 100 और क्वांटिटी एंटर की 20, तो हो जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी,
ये हो गया 100 into 20 2000, अब ये 2000 हो गया ग्रॉस, ग्रॉस 2000 इज लेस देन 1000, फॉल्स, कंट्रोल सी दे देना है क्योंकि ग्रॉस की वैल्यू 2000 है, कंडीशन फॉल्स हुई, ये इसको इफ पार्ट को स्किप करके यहां आएगा और 2000 पर 10% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, 2000 का 10% मतलब 200 रुपीज डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट की वैल्यू 200 होगी यदि आपकी क्रॉस की वैल्यू 1000 से ज्यादा रही, तो ये नेट भी निकल गया। फाइनली दोनों शो कर दो, प्रिंट डिस्काउंट डिस्क, प्रिंट नेट अमाउंट नेट, दैट्स ऑल। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने सिंपल सा प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पर नेट और डिस्काउंट शो किया। बेटा आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में जो अवेलेबल रिसोर्सेस लॉकडाउन की वजह से हमारे पास थे उन्हीं का यूज करते हुए किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर पाए, आपका टाइम का इफेक्टिव यूज हो पाए, तो हम नेक्स्ट क्लास में और इसको इम्प्रूव करेंगे। और इसमें आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज कमेंट कीजिएगा और हम भी इसको अपने साइड से और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।